नेक्स्ट ये वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। एक कहता है मास 0.5 केजी मूविंग विद वेलोसिटी। देखो यहां से एक 0.5 ग्राम 0.5 केजी का मास आ रहा, इधर स्प्रिंग लगा, जैसे ही कोलिजन करेगा स्प्रिंग स्लोली 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 कंप्रेस होगी। एक ऐसा समय आ जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में जब दोनों एक दूसरे के टच में होंगे, उस वक्त दोनों की वेलोसिटी जीरो होगी, स्प्रिंग भी रेस्ट में होगा और ये भी रेस्ट में होगी, ठीक है, बॉल भी रेस्ट में होगा। स्प्रिंग का मास नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट 50, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, आप देखो कर सकते हो। यहाँ से जब ये कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, ये बॉल आया यहाँ से, अब जब ये कंप्रेशन स्टार्ट होगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में ये दोनों ये रेस्ट में होंगे, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, चलो ये दोनों रेस्ट में हैं और इस टाइम जो कंप्रेशन है वो मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉल का मास 0.5 केजी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के 50 है, ठीक है, और स्पीड 1.5 है, 1.5 से मूव कर रहा है, ठीक है। चलो तो स्प्रिंग जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, कॉमन सेंस की बात है, इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि हाफ ने हाफ को खत्म कर दिया और ये मैक्सिमम कंप्रेशन है भैया, तभी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। मैक्सिमम कंप्रेशन इज इक्वल टू वी वी एम अपॉन के अंडर रूट, ठीक है। तो वी 1.5 और मास कितना है, मास 0.5 है, 1/2, और ये आ जाएगा 1/2, और के की वैल्यू 50 है, के की वैल्यू 50 है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब 0.15 मीटर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, 0.15 मीटर, मतलब ए ऑप्शन सही है, क्लियर है इसको, ठीक है, एक बार ठीक है।